हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लानेट। फ्रेंड्स, ये कोडेड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हमारा दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस वाली कैलकुलेशंस थी, वो हमने किए। इस क्लास में काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं और कभी कभी थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाते हैं। अगर आप जो फंडा है, जो लॉजिक लग रहा है किसी भी एक्सप्रेशन के पीछे, वो अगर आप इजीली क्रैक नहीं कर पाओ, या वो जो एक्सप्रेशन है जनरली उसी को क्रैक करने में ही टाइम लगता है, तो बहुत अलग अलग तरह के लॉजिक्स होते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ध्यान आएगा कि किस किस तरह के लॉजिक जो है अप्लाई करके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो समीकरण है मैथमेटिकल, वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे पिछले क्लास से। तो शुरू करते हैं, कॉपी पेन अपना लेकर के रेडी हो जाइए। अब सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो 4 + 3 इज इक्वल टू 25 और 8 + 4 इज इक्वल टू 80। तो 3 + 2 का इस हिसाब से वैल्यू क्या होगा? वैसे 5 होता है, लेकिन इस मैथमेटिक्स जो यहाँ पर कोडिंग दी हुई है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होती है वो हमें पता करना है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस का असल मतलब प्लस नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर प्लस का क्या मतलब है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कोई भी लॉजिक पहले आपको यहाँ लगाना है, फिर जो भी लॉजिक आपने सोचा है वो यहाँ से आपको वेरीफाई करना है कि करेक्ट है कि नहीं, उसके बाद में जाकर के आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, अब 4 + 3 से तो 25 कैसे भी नहीं मिलता, लेकिन आपको अगर मालूम हो तो 4² + 3² इज इक्वल टू 25 होता है ना। 16 + 9 इज इक्वल टू 25। अब हमने ये लॉजिक सोचा कि भाई इसका भी स्क्वायर करना है प्लस इसका भी स्क्वायर करना है तो 25 मिलता है। अब ये लॉजिक हम डायरेक्टली यहाँ लगाए बगैर पहले हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ पर भी सेम लॉजिक से 80 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर किया तो हुआ 64, 4 का स्क्वायर किया 16, तो 64 + 16 80 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सोचा वो लॉजिक जो है वो सही है, करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर लगाना है 9, 2 का स्क्वायर लगाना है 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 13। ठीक है, अभी देखो थोड़ा अलग दिख रहा है, 879 का मतलब है 8, 625 का मतलब है 1 और 586 का मतलब है 9, तो 785 का क्या मतलब होगा? अब जो भी लॉजिक हम सोचेंगे वो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह हमको वेरीफाई करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा अलग लॉजिक हो सकता है क्योंकि दो जगह वेरीफाई करने के लिए दिया है। तो अब आप सोचो 8, 7, 9 इसको कैसे आप जोड़ बाकी करोगे, क्योंकि गुणा से तो कभी भी 8 आ नहीं सकता, स्क्वायरिंग से, डिविजन से कभी भी 8 आ नहीं सकता। तो अब कैसे जोड़ बाकी करें अपन कि 8 आ जावे? ठीक है, या तो जोड़ करोगे या बाकी, मतलब जोड़ बाकी दो चीज करनी पड़ेगी तभी जा करके 8 आ सकता है। तो 8 + 7 = 15 में से 9 घटाया तो भी 8 नहीं आता, 9 और 7 = 16 इन दोनों को ऐड किया और इसको घटाया तो 8, तो 8 आता है। ओके, अब यहाँ पे हम सेम चीज़ को चेक कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो 8 आता है। अब ये चीज़ यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, 5 और 2 = 7 में से 6 = 1, ओके वेरीफाइड यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, 6 और 8 = 14, 14 में से 5 = 9। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको और इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, तो 8 और 5 = 13, 13 में से 7 = 6। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक जगह स्क्वायरिंग करी थी, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस ही हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा राइट साइड में, पर राइट साइड में एकदम छोटा नंबर आ रहा है इतने बड़े से। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 12 × 16 = 188 और 14 × 18 = 248। पहले हम देख रहे थे 12 × 16 का वैल्यू क्या होता है, तो 12 × 12 होता है 144। ठीक है, 144 में हम 48 और जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर के 72 = 192 आएगा, और यहाँ हमको दिया है 188, मतलब 4 कम किया है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 14 × 18 = 72 और 18 और 7 = 25, यहाँ पर भी 4 ही कम किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या लॉजिक हुआ, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 कम कर देना है। तो 16 × 20 ये होता है 320, 320 में से अपने को 4 घटा देना है, मतलब कि 316। ठीक है, यदि 2 + 4 + 6 = 48 हो और 3 + 2 + 8 = 48 हो,
तो 2 + 5 + 7 क्या होगा? ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अर्थ मतलब कोई ना कोई जो गुणा किया हुआ है। ये देखो, इसको 2 × 4 + 6 करें, 4 × 2 = 8 इंटू, ओके यहाँ पर भी ऐसा ही करें, 3 × 2 × 8, 8 × 3 = 24, 2 × 4 = 24, 6 × 24 = 48। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस को इंटू से रिप्लेस कर दो, तो इंटू कर देना यहाँ पे, 7 × 5 = 35, 2 × 70। ठीक है, तो यहाँ से हमने लॉजिक उठाया, यहाँ पे वेरीफाई किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, 84 + 96 = 4842। तो आप ध्यान दो, 84 को 48 लिखा है तो 36 को 63 लिखा जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कुछ और लॉजिक है। अच्छा ये देखो, 84 का आधा लिखा है यहाँ पे और 96 का आधा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 36 का आधा लिखना है यहाँ पे और 78 का आधा लिखना है आगे, तो 3918। ओके, ये 9 × 6 = 8 × 4 = 5। ओके, तो ये हो जाएगा 4 × 9 = 7। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। तो ये वाला पहले लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, अभी 15 × 26 = 6512, 29 × 36 = 6923। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से इतना बड़ा नंबर आ नहीं सकता। और आप देखो यहाँ पे 6215 यही डिजिट यूज़ करी हुई, यहाँ पर भी 6923 यही डिजिट यूज़ करे हुए हैं। तो हमको खाली ऑर्डरिंग ही चेक करनी है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, लास्ट नंबर आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन पर हम लास्ट नंबर लिख देते हैं। सेकेंड पोजीशन पर सेकेंड नंबर ही आ रहा है, मतलब हम भी सेकेंड ही लिख देते हैं। थर्ड पोजीशन पर पहला नंबर आ रहा है, तो हमारा पहला नंबर है 4, और लास्ट पोजीशन पे तीसरा नंबर आ रहा है, मतलब कि 5, तो 4645। ठीक है, देखो खाली लिखने का ऑर्डर डिफरेंट था, बाकी देख के डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन कि क्या लॉजिक सेट होगा, पर खाली जो डिजिट्स है उनको उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। 1 × 2 = 1 है, 2 × 3 = -1 है, 3 × 4 = -5 है। अब थोड़ा सा अलग लग रहा है, 1 × 2 = 1 कैसे आ सकता है, अगर इसमें से ये घटाए तो 1 आता है, पर सेम लॉजिक अगर हम यहाँ लगाए तो 3 में से 2 घटाए तो 1 ही आना चाहिए, यहाँ पे -1 आ रहा है, और 4 में से 3 घटाए तो भी 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे -5 आ रहा है। तो कोई और तरीका है, तो अब अपन ध्यान देते हैं, इनका गुणा कर देते पहले, समझो 2, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में पहले से मैं ये 2 में से 1 घटाया, मल्टीप्लीकेशन में से पहला डिजिट घटाया, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 6 में से 2 गया, तो ये लॉजिक भी नहीं चलेगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर 5 में से 6 घटाया तो -1 आता है, मतलब कि पहले इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद में इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो घटा दो। यहाँ पर भी यही करते, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, और सॉरी 3 हुआ ऐड करने से, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन घटा दिया तो 1। हाँ अब यहाँ पर भी देख लेते ये चीज़, इन दोनों को ऐड किया 7, और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो घटा दिया तो -5। हाँ तो यहाँ पर अब क्या करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 9 और 7 = 16 में से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो घटा दो, तो 16 − 63 मतलब कि -47। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था, और इस तरह के क्वेश्चंस लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं, ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। ठीक है, 4 × 3 = 14, 5 × 4 = 18, और 6 × 5 = 22। देखो 4 और 3 = 7 होता है, उसका डबल किया हुआ है, ठीक है ना, या फिर 4 × 3 = 12 में 2 ऐड किया है, यहाँ पे 5 × 20 में 2 यहाँ पे तो घटाया हुआ है। अच्छा ऐसा करके देखते, 4 + 3 = 7 दूनी,
और 9 दूनी और 6 और 5 11 दूनी। ओके, तो इन दोनों डिजिट को सम करके डबल करना, मतलब 7 और 6 13, 13 का डबल किया 26। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन देखते हैं। 25 + 5 / 2 इज इक्वल टू 40। इससे हमको 40 कैसे मिलेगा? अगर हम ये करें, 25 में से 5 घटा दें और ये 25 में से 5 घटाया तो आया 20, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। 35 में से पहले 5 घटा लो और वो जो आ रहा है 30, और इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 45 में से पहले 5 कम करो, मतलब 40, और इंटू 2, मतलब कि 80। ठीक है, 23 × 16 184, और 37 × 10 185। 185 जo hai wo 370 ka aadha hai, matlab ki 10 ko divide by 2 kar diya hai, ya fir is puri value ko divide by 2 kar diya hai. To 23 × 8 agar kare apan to 184 aata hai. Iska matlab iski jo value hai usko aadha kar dena hai. Theek hai, matlab ki 85 × 12 ko aadha kar doge to 85 × 6 aa jayega. To 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, 49 × 50 = 51. Theek hai, 3 2 8 4, इसको लिखा है 6 3 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा है, और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया है ना, 8 चौक 32 और 4 चौक 16। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखो और इन दोनों का यहाँ पर, तो 95। ठीक है, 4 × 2 = 3 हुआ, 8 * 4, ये स्टार है, नॉट इंटू, 4 * 2 = 3 हुआ, 8 * 4 भी 3 हुआ। अब देखो इन दोनों से ये कैसे आ सकता है, 4 × 2 करूं तो -5 करना पड़ेगा, 4 + 2 करूं तो 6, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, तो इन दोनों को पहले प्लस करके फिर इससे डिवाइड करके देखते हैं ना, 4 + 2 / 2, यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाते हैं, तो 8 + 4 / ये वाला नंबर, तो यहाँ भी 3 आ रहा है, 8 और 4 = 12 / 4, यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या करना है, 21 + 7, इन दोनों को ऐड करना है और फिर ये जो है वो उससे डिवाइड करना, तो 21 और 7 = 28 / 7 = 4। ठीक है, कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, लॉजिक होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम में भी आपको थोड़ा एक कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्रैक करना कि क्या लॉजिक लग रहा है, पर अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आप रिकॉल कर पाओगे कि इस तरह के लॉजिक्स जो है वो लगते हैं। अब यहाँ पर 462 को 551 लिखा हुआ है, 398 को 487 लिखा है, तो 856 को क्या लिखेंगे? 4 को 5 लिखा है, मतलब एक प्लस किया है, यहाँ पर एक माइनस किया है, यहाँ पर भी एक माइनस किया है, मतलब प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर भी देख लेते हैं, प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर माइनस किया है, तो हमको यहाँ पर भी यही करना है, 8 में 1 प्लस करना है, 5 में से 1 माइनस करना है, और 6 में से भी 1 माइनस करना है। ठीक है, ये वाला तो एकदम सिंपल है, नंबर बाजू बाजू में लिख दिए हैं, 53 34 65 65। अच्छा, ओके ओके, 53 और 34, फिर यह है 65 और 46। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले सबसे पहले ये नंबर कॉपी करना है, उसके बाद में ये वाला नंबर आएगा, उसके बाद में ये, और लास्ट में ये, तो 7254। ओके, 8 × 7 × 6 को 7 6 5 लिखा है, तीनों में से एक के कम करके लिख दिया। देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 4 2 और 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा उस हिसाब से, 8, फिर एक कम किया 5 और 3। ठीक है, सिंपल है ये वाला भी, ये वाला ट्राई करते हैं। 37 14, इससे 17 आ रहा है, 37 + 14 करें तो कितना आएगा, 3 51 आएगा,
डिवाइड बाय 3 करें तो 17 आएगा। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा के देखते हैं, 69 प्लस 33, 9 और 3 12, 6 और 3 9 और 1 10, 102 डिवाइड बाय 3 करें तो 34 आता है, परफेक्ट है। यहाँ पर भी ऐसा ही करके देखते हैं, 125 प्लस 91 डिवाइड बाय 3 किया तो 2 बराबर है, ठीक है। तो यही करना है अपने को, 28 प्लस 56, 8 और 6 14, 5 6 7 8 डिवाइड बाय 3 किया तो 28, ठीक है। मतलब इन दोनों को पहले ऐड करना है और उसके बाद में डिवाइड बाय 3 करना है। 3 स्टार 4 10, 5 स्टार 8 18, 3 4, नेक्स्ट नंबर का नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग डिजिट है, यहाँ पे 3 4 है पर यहाँ पे 5 8 है तो वैसा नहीं ले सकते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 4 किया तो 10 आता है, तो 5 दूनी 10 प्लस 8 18 आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब 7 दूनी 14 प्लस 7 21, ठीक है। मतलब पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में आगे वाला नंबर जो है वो प्लस कर देना है। 56 इंटू 11 9, 37 इंटू 13 6, 42 इंटू 12 3, इसको प्लस करें तो 11 में से 2 घटाया मतलब कि इनका सम तो 9 आया। यहाँ पर भी वापस लगा के देखते हैं, हमने इन दोनों को ऐड किया था तो यहाँ इन दोनों को ऐड किया माइनस इन दोनों को ऐड किया, ओके ओके। यहाँ पे 6 माइनस 3, ओके, तो ये हुआ 15 माइनस 14, ठीक है। ये भी देखो अलग था थोड़ा सा, तो इस तरह के लॉजिक्स पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले वाले दोनों डिजिट का सम किया, दूसरे वाले दोनों डिजिट का सम किया और इनटू को माइनस में बदल दिया, ठीक है। ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 324 और ये साइन है और 279। 324 को देखते ही आपको 18 याद आ जाना चाहिए बिकॉज 18 का स्क्वायर 324 है और 17 का स्क्वायर 279 है और 18 प्लस 17 35 हो रहे, मतलब पहले इनका स्क्वायर रूट करो। यहाँ पे जैसे 21 आया और ये 22 आया तो 21 प्लस 22 43, तो यहाँ पर आएगा 25 प्लस 20 मतलब कि 45 आना चाहिए। कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ लगती बिकॉज हमारे लॉजिक के हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका स्क्वायर रूट 21 और इसका स्क्वायर रूट है 22, तो 21 प्लस 22 43, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए 45, ये लगता है ऑप्शंस गलत है, ओके। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने इस क्लास में भी, आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, बाय बाय।